हेलो एवरीवन, कैसे हो साहब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जानकारी देना चाह रही हूँ जो आपको दिल खुश कर देगी। तो करवा चौथ आ गया है और ये वीडियो लेडीज के लिए है। करवा चौथ आ गया है और सब पार्लर जाने की तैयारी कर रहे होंगे कि चलो अब करवा चौथ आ गया तो स्पेशल दिखना है सब लोगों को, तो पार्लर तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं आज आप लोगों को वैक्सिंग का वीडियो शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने ही घर पे बैठ के बिना पार्लर जाए आप घर पे वैक्सिंग कैसे कर सकते हो। तो सिंपल तरीका है, आप लोगों को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वैक्सिंग हीटर की, वैक्सिंग की स्ट्रिप की और नाइफ की, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और आजकल ऑनलाइन बहुत कम पैसे में मिल रहे हैं, तो आप लोग ऑर्डर कर लीजिए और घर पे ही वैक्सिंग कीजिए। और आप लोगों को वैक्सिंग सिखाना मेरा काम है और आपका सीखना आपका काम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में वैक्सिंग के रिलेटिव वीडियो शेयर करने वाली हूँ और सिंपल तरीके से बहुत आसानी से आप लोग वैक्सिंग कर सकते हो और अच्छे से अपने हाथों को पैरों को चमका सकते हो। तो ये वीडियो आप लोग देखें और उसके बाद में सीखें कैसे वैक्सिंग करते हैं और घर पे ही कैसे करते हैं, बिना पार्लर गए हुए भी आप अच्छे से रेडी हो सकते हैं। तो देखिए ये वीडियो। तो यहाँ पे वैक्सिंग ले लिया है, जो आप देख सकते हो हीट कर लिया है वैक्सिंग को अच्छे से और उसके बाद में हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ ग्रोथ देख लीजिए कितना हार्ड ग्रोथ है और पूरा भर के है, यानी कि आप इस जो ग्रोथ है इस पर आप हनी वैक्सिंग कर सकते हो। जैसे छोटे छोटे हेयर होते हैं ना जिसकी ग्रोथ कम होती है उस पर हनी वैक्सिंग इतना काम नहीं करता है, लेकिन ये फुल हेयर है ना तो ईजीली निकल जाएगा और ये कोई रेजर किया हुआ भी नहीं है। जैसे कि कुछ लोग अपने पाँव पे रेजर कर लेते हैं यूज, तो उस पर हनी वैक्सिंग इतना काम नहीं करता है। और जब इसका डायरेक्शन पूरा सिंपल तरीके से नीचे की ओर ही रहता है, जो हेयर का डायरेक्शन है ना वो नीचे की ओर ही रहता है, इसीलिए ईजी रहता है निकालने में। यहाँ पे जो रफ वाली स्टिप होती है ना वो ऊपर की साइड में करनी होती है, जो स्मूथ साइड होती है ना एकदम स्मूथ वो हमें हेयर की तरफ करनी होती है। और सीधा है इसमें, जैसे कि हेयर का डायरेक्शन है वैसे हमें स्ट्रिप्स को लगाना है और अपोजिट साइड में उसको पुल करना है, खींचना है। तो यहाँ देख सकते हो कितना ईजीली यहाँ पर हेयर निकल गया है, देख लीजिए। और टैनिंग भी बहुत थी इनके, तो टैनिंग भी निकल गई है यहाँ पर। एक बार करने के बाद में फिर से अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि हाँ स्मॉल हेयर हैं थोड़े बहुत, तो आप फिर से अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन जहाँ पे हेयर हो वहीं पे अप्लाई करना है, जहाँ हेयर नहीं है वहाँ पे अप्लाई मत कीजिएगा। और जैसे कि हनी वैक्सिंग है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक बार की बजाय दो बार भी अप्लाई करें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो रीका वैक्सिंग है ना उसे थोड़ा देख के करना पड़ता है। इसीलिए लॉन्ग हेयर ज़्यादा ग्रोथ है इनके, वो हनी वैक्सिंग से निकल जाएगा। और एकदम पतली पतली लेयर करना है, नीचे से कस के पकड़ लेना है इसको। जब हम वैक्सिंग करते हैं तो उसका जो स्किन रहता है ना उसको थोड़ा टाइटली पकड़ना होता है ताकि ईजी से निकल जाए, क्लाइंट को पेन भी ना हो थोड़ा भी। इसलिए कभी भी अगर आप लोग वैक्सिंग करते हो तो पहले अच्छे से टाइटली पकड़ लेना है, उसके बाद में ही आपको स्ट्रिप्स को खींचना है ताकि आपको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो और क्लाइंट को भी पेन नहीं हो। याद रखिएगा कभी भी आप लोग जैसे वैक्सिंग करते हैं, अगर आप लोगों को आती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करना होगा क्योंकि ये वैक्सिंग हनी वैक्सिंग बहुत गर्म लगती है, तो थोड़ा फूंक देके ही आप कीजिएगा अगर सीख रहे हैं तो। अगर आप लोगों को आती है तो ओब्वियसली आप लोगों को पता होगा कि जल्दी फास्ट से लगाना होता है उसको, नाइफ को थोड़ा अच्छे से स्ट्रॉन्ग से खींचना होता है नीचे की ओर ताकि रूट से हेयर निकल जाए और इजीली भी निकल जाए, जल्दी ग्रोथ ना हो। इसीलिए आप लोगों को कभी भी नाइफ को थोड़ा तिरछा करके ही लगाना है, ये देख सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद में क्या करना है, जो अपन की नीचे जो स्किन रहती है ना उसको टाइटली पकड़ना है और फिर खींचना है ताकि जो हेयर है ना रूट से निकल जाए। हनी वैक्सिंग आप लोगों को कब कब कर सकते हो, सर्दियों में अच्छे से आ जाता है और गर्मी भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे बारिश का सीजन रहता है ना वो टाइम में हनी वैक्सिंग बहुत रूल आता है, तो उस टाइम में इतना इजी से नहीं आता है वो।
तो यहाँ ऊपर से मैंने कर दिया है जो है ना, फुट पे क्या करना है, वैसे हेयर यहाँ पे नहीं रहते लेकिन जो टैन वगैरह है वो निकल जाता है, और फिंगर को जो हेयर रहता है ना वो निकल जाते। तो ऐसे सिंपल तरीके से सेम डायरेक्शन यही रहेगा इनका, जो हेयर का डायरेक्शन है ना लेग्स का बहुत सिंपल होता है, जैसे कि नीचे की साइड में होता है। हैंड को क्या होता है कि जहाँ पे शोल्डर रहता है वहाँ ऊपर के साइड अपोजिट साइड में करना होता है, फिर नीचे की साइड में। तो इसमें ना लेग्स का बहुत सिंपल सा है वैक्सिंग करने का तरीका। फिर एक बार आप चेक कर लीजिए अच्छे से, अगर आप लोगों को ऐसा लगे कि हेयर है तो फिर से आप अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ देख सकते हो हेयर कितना ज़्यादा ग्रोथ था, हार्ड था, लेकिन फिर भी ये वैक्सीन से कितने सिंपल तरीके से हो गया। और पतले पतले लेना है, ज़्यादा मोटे नहीं लेना है। मोटे लेने से क्या है, पूरा चिप 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 हो जाता है, और पतले लेयर लेंगे ना आप तो हेयर भी अच्छे से निकल जाएगा और वैक्सिंग का भी वेस्ट नहीं होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए जहाँ तक हो सके पतले लेयर लीजिएगा, और वैक्सिंग कभी भी ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर हनी वैक्सिंग ज़्यादा ठंडा है तो हेयर नहीं आएगा, इसलिए आप एक बार टेम्परेचर उसका देख लीजिएगा, उसके बाद में ही आप इजी से कर सकते हो। और आप घर पे ही कर सकते हैं, ये ऑनलाइन बहुत मिल रहा है और बहुत कम पैसे में ही मिल रहा है हीटर, तो आप ऑनलाइन से मंगवा लीजिए और आप घर पे ही कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को सेल्फ कैसे करते हैं तो मेरा एक वीडियो है चैनल पे, आप देख लीजिएगा, वो वैक्सिंग के रिलेटिव ही है, तो वो सेल्फ भी आप कर सकते हो। लेकिन थोड़ा स्टार्टिंग में आप सीख रहे हो ना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसीलिए एक किसी दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आ जाएगा। इसीलिए आजकल पार्लर में बहुत भीड़ रहती है, करवा चौथ का सीजन चल रहा है ना, इसीलिए आप घर पे भी कर सकते हो, किसी दूसरे की हेल्प लेके कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखे हो तो आप किसी दूसरे की हेल्प लेके कर सकते हो। इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग सोचते हो कि भाई वैक्सिंग कैसे करेंगे, इसका डायरेक्शन कैसा है, कुछ पिंपल्स वगैरह नहीं आ जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। जो लेग्स की अपन वैक्सिंग करते हैं ना उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता पिंपल्स वगैरह का, कुछ जैसे अंडरआर्म्स करते हैं ना उसमें थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन जो वैक्सिंग लेग्स की करते हैं ना उसमें कुछ भी हो नहीं होता। यहाँ देख सकते हो इजीली। अगर फिर भी आपको जैसे कि लगे कि हेयर नहीं निकल रहा है तो आप क्या करेंगे, पानी लेना है और पानी से थोड़ा क्लीन कर लेना है, फिर से अप्लाई आपको पाउडर करना है, और पाउडर अप्लाई करने के बाद में फिर से आप वैक्सिंग अप्लाई कीजिएगा। तो पहले ना आपको अच्छे से देख लेना है लेग्स को। आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर हनी वैक्सिंग कर रहे हो, कोई भी वैक्सिंग कर रहे हो, तो देख लीजिए पहले मैं पानी से क्लीन कर रही हूँ, जो पानी से क्लीन कर रही थी जो चिपचिपाट रहती है ना इसकी, उसके बाद में एलोवेरा जेल है, इससे हम थोड़ी सी मसाज कर देंगे ताकि जो पोर्स ओपन हुए हैं ना वो ईजीली मतलब क्लोज हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग पोर्स ओपन कर रखे हो और कुछ भी क्रीम वगैरह अप्लाई नहीं कर रहे हो तो उसमें डस्ट जाने का चांस रहता है, इसीलिए पहले मसाज वैक्सिंग करने के बाद में अच्छे से मसाज करना है। और वैक्सिंग करने से पहले आप एक बार देख लीजिएगा, क्लाइंट अगर कोई ऑयल वगैरह तो अप्लाई नहीं कर रखा है, मॉइस्चराइजर तो अप्लाई नहीं कर रखा है, अगर आप वो क्लाइंट अगर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रखा है तो आपका हेयर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो एक बार आप ज़रूर पूछें क्लाइंट से कि आपने मॉइस्चराइजर तो नहीं लगा रखा, नहीं अगर लगा रखा है तो क्लीन करके फिर वैक्सिंग कर लीजिए, आप फाइनल रिजल्ट देख लीजिएगा। आप लोगों ने वीडियो तो पूरा देख ही लिया होगा, अब आप ये बताओ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी करवा चौथ पे अच्छे से अपने घर पे ही तैयार हो सके। क्योंकि आजकल क्या है ना पार्लर में, जैसे कि अभी नवरात्रि आ रही थी और अब फिर करवा चौथ आ गया, दीपावली आ रही है, तो पार्लर वाले भी सब बिजी हैं, इसीलिए बिना समय गवाए हुए अपने ही घर पे रेडी हो जाइए और बिना पैसे के वो भी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर की दीजिएगा। फिर से मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के साथ में। अगर आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया या कुछ बोलना है तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ, रोज पढ़ती हूँ। और हाँ, आप लोगों को किस चीज़ के रिलेटिव वीडियो नेक्स्ट चाहिए वो मुझे आप ज़रूर कमेंट्स बताइएगा, मैं उसी के रिलेटिव वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं एक नई वीडियो में।